है ना, आज 14 फरवरी है और मैं फिर आपके सामने हूँ यस बैंक पे लेके। यस बैंक में मैंने आपको ये एक वीडियो दिया था, ये आज नहीं दिया था, ये आपको बहुत पहले दिया था और इस पे लिखा हुआ था यस बैंक नीचे आ रहा है, हमारे लिए डरना मना है, हम होंगे कामयाब। और 1 फरवरी को दिया था, आज 14 फरवरी को है। तो मैंने आपको बोला था हर लोअर लेवल पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना है, जहाँ पे हर 20 रुपया 25 रुपया आप जाके इसको देख सकते हैं, कोई बात नहीं। आज क्या हुआ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आया कि आरबीआई ने इसको क्लीन चिट दे दिया है, जो इस पे ये था कि एनपीए हिडन करके इसको शो किया गया होगा। तो यस बैंक वाज मिस्टेकन एज अ क्राउन स्टेट ऑफ ब्लैक सोन, ब्रोकरेज में अप 80% अपसाइड। ये न्यूज़ था इसके साथ, कि पहला न्यूज जो था कि ये आप देख लीजिए, पहला न्यूज है फर्स्ट, आरबीआई क्लीन चिट वाज व्हाट द यस बैंक स्टॉक वाज वेटिंग फॉर। इन रिसेंट टाइम्स इन्वेस्टर्स हैव बीन बेटर एंड अपफ्रंट रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम यस बैंक। द यस बैंक स्टॉक 26% ऑन फरवरी 14, ये 14 को 26% ऑन अप गया है 14 फरवरी को। द ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिविंग इट क्लीन चिट विद नो डाइवर्जेंस। इनके एनपीए में जो डाइवर्जन बताया गया था, जब राणा कपूर जी के बारे में बात था कि वो हटेंगे ये होंगे, तो ऐसा था कि न्यूज़ था कि शायद इन्होंने जो एक्चुअल एनपीए है वो शो नहीं किया है, ऐसा आरबीआई का कहना था, उस पर क्लीन चिट दे दिया गया है इसको। ये न्यूज़ के चक्कर में ये बहुत सारा गिरा, मार्केट गिरा था और अच्छा खासा गिरावट लेवल इसमें देखने को मिला था। ये न्यूज के बाद जब फाइनल चीज आया तो आप देखेंगे आज ये अच्छा खासा अपवार्ड, मतलब एक ही दिन में सारी गिरावट कवर कर दी। कल 169 पे की क्लोजिंग थी इसकी, आज ओपन ही हुआ 186 पे, गैप अप पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर ही 224 की ओर जाता है, अपर में ही क्लोज देता है 51 पॉइंट का गेन के साथ, ऊपर ही क्लोज देता है विद 26 करोड़, 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 26 करोड़ वॉल्यूम के साथ। आप इसमें देखेंगे एवरेज वॉल्यूम कितना होता है, ये देखिए 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़, 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़, ये प्राइस फॉल हो रहा था उस समय की वॉल्यूम है। अब आज ये 26 करोड़ के वॉल्यूम किया, एक साथ किया है और अप लिया है, और ये कल भी अप जाएगा और आपको वापस 245 की ओर दिखा सकता है। तो यस बैंक एक अच्छी खासी रिकवरी, और अगर किसी ने भी ये फॉल को लिया होगा 169 का कल का फॉल जो था वहां तक, अगर किसी ने भी एक्यूमुलेट किया होगा तो अच्छा खासा आज गेन बनाए होंगे। और डेरिवेटिव पे भी आप जा करके देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, अब देखिए अनवाइंडिंग हो रही है कॉल में, यहाँ पे अनवाइंड जो शॉर्ट करके बैठे थे सब अनवाइंड करके बाहर निकल रहे हैं। और प्राइस गेन देखिए 225 पे एडिशन हो रहा है, 240 पे 12,72,000 का एडिशन हुआ है, 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 250 पे देखिए 38,69,000, 5,95,000 का एडिशन है। 270 पे एडिशन 11,77,000 का हो रहा है। तो अच्छी खासी बाइंग कॉल की साइड हो रही है। ये यस बैंक का 222.60 का 14 फरवरी की क्लोजिंग है, 28 फरवरी का देख रहा हूँ। यहाँ पुट पे शॉर्ट किया जा रहा है, हर लेवल पे शॉर्ट किया जा रहा है, और आप देखेंगे 220 पे 6,31,000 का शॉर्ट हुआ है, 210 पे 17,50,000 का शॉर्ट हुआ है। तो अब नीचे की ओर इसको तो दो मेरे अंदाज से 56 लाख का, मतलब 200 का लेवल ही अब नीचे जाना मुश्किल है। तो 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे अभी शो कर रहा है, एक बार नीचे तो जाना चाहिए इसको, लेकिन देखते हैं अभी 200 का लेवल क्रुशियल है, वापस जाएगा तो 185 180 दिखाएगा आपको, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगी। तो एक अच्छी खासी, और अब ये आपको एक बार वापस ये 245 जो मैंने आपको बताया था 245, और 245 क्रॉस करेगा 244.60, और अगर क्रॉस करेगा तो 275 की ओर जाके दिखा सकता है, ये चार्ट में है। और ऐसे आप देखें तो आज जब ये ओपन ही हुआ तो अपने 9 दिन के 20 दिन के 50 दिन के सारे को क्लोज करते हुए यहाँ पे इस लेवल को 212 जो 100 दिन का डेमा है इसको क्लोज करते हुए ये जा रहा है 233-235, इसको भी हो सकता है ट्राई करें, जो कि पिछले लास्ट टाइम आप देखेंगे ये 25 जनवरी को उसने 245 का बनाया था, तो उसको भी टेस्ट करेगा और इसको भी क्रॉस करने की क्षमता रखता है इस बार। और अगर ये 250 के आसपास ही क्रॉस करता है, 245 2650 क्रॉस करता है, तो आपको 275 भी इस बार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जानिए, ये जो गैप अप बना है ना, ये भरने के लिए एक बार जरूर आएगा नीचे, ऐसा बिलीव है। तो आप ऐसा नहीं है सरप्राइज कि आप छूट गए
लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये इसको गैप अप भरने के लिए आएगा, और जिस वॉल्यूम से इसको सेल हुआ है, ये बड़े ट्रेडर ने इसको एक्यूमुलेट किया है, और डिलीवरी देखेंगे आप, इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 66 करोड़ की डिलीवरी हुई है, 23% की डिलीवरी, लेकिन वॉल्यूम देखिए, जहाँ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख 87 लाख 84 40 लाख 62 लाख की डिलीवरी था, एक दिन में 6 करोड़ 8 लाख 79 हज़ार की डिलीवरी हो जा रही है, ये 14 फरवरी का है। तो यस बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपने अगर मिस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कल भी अपसाइड रहेगा। और 200, अब देखिए यहाँ पे 211 के वेटेड एवरेज वॉल्यूम की जगह 221 ₹10 का प्रीमियम पे आपको क्लोज दे रहा है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली आपको, जिसने भी कमाया है यस बैंक में अच्छा किया, सेंटीमेंट भी अच्छा दिखा रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, यस बैंक पॉजिटिव व्यू है अभी भी, लेकिन नीचे अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिलेगी, लेकिन अभी एक दो दिन, ये कल भी अप जाएगा और एक बार 245 जरूर टच करने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर इसे ब्रेक करता, जो कि करना चाहिए इस बार, क्योंकि अब निगेटिव कुछ भी नहीं रहा, मेन एनपीए वही इशू था, तो हो सकता है आपको 275 भी इस बार आपको ब्रेक करके दिखाए। अब और यहाँ पे आप देखेंगे भी तो एनएससी के चार्ट में, तो आप देखेंगे 11,270 के कॉल पे भी, और लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एलटीपी 250 है, जो कि सिर्फ आपको बहुत सस्ते में मिल रहा था, अब ये आपको अच्छे खासे रेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, 2.50, 2.30, 20 पैसे पे मिल रहा था, और अभी अभी 2.5 रुपये पे मिल रहा है, तो 270 का है, तो अभी भी कोई चाहे तो एट द मनी 220 का है, जिसकी LTP 14 रुपये है, कॉल साइड में अभी भी पोजीशन कल के लिए बना सकते हैं, और नहीं तो 245 जो कि 5.90 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, या 247 रुपये पे, इस पर भी ट्राई कर सकते हैं कॉल किया, लेकिन 14 फरवरी हो चुका है तो इसमें आपको कल ही एग्जिट होना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, ये सारे एजुकेशन पर्पज से है, पेपर ट्रेडिंग के लिए, कोई भी मार्केट में पोजीशन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाए। और जैसा आप जानते हैं कि अब निफ्टी में भी एक्सपायरी चालू हो गई है, वीकली एक्सपायरी चालू हो चुकी है, तो अब निफ्टी में भी अभी जो देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा गिरावट है, सपोर्ट पे अभी क्लोजिंग हुआ है 10,746 का अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे इसको, तो देखते हैं ये इसको तोड़ता है, 10,700 को तोड़ता है कि नहीं, तोड़ता है तो 10,500 की ओर भी आपको जाकर दिखाएगा, जो कि चांसेस है बैंक निफ्टी और इसमें दोनों में, तो अब देखेंगे ये अब जैसे आपको पहले दिखता था, अब देखिए यहाँ पे भी निफ्टी में भी 14 फरवरी 21 फरवरी 18 फरवरी सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो 21 फरवरी की जो पोजीशन बन रही है अब देखेंगे, तो पुट साइड में बन रही है, और लोग तो 10,000 पे भी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोजीशन जो बन रही है वो 10,600 पे बन रही है और 10,500 पे बन रही है। तो देखते हैं निफ्टी क्या परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है, और उतनी ही शॉर्टिंग चल रही है, 10,600 तक पे शॉर्टिंग चल रहा है, 10,700 पे भी शॉर्ट किया जा रहा है निफ्टी को, तो 10,750 पे भी किया जा रहा है, तो हो सकता है कि एक बार ये कल आपको नीचे की ओर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स में। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो ये यस बैंक एक पॉजिटिव व्यू है, यस बैंक अभी पॉजिटिव है, एक्सिस बैंक में भी शॉर्ट चल रहा है, तो एक्सिस बैंक में भी शॉर्ट कर सकते हैं, 695 के क्रूशियल लेवल पे वो खड़ा है, तो आप एक्सिस बैंक में भी नजर रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत